हांसी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सिसाए पुल के पास नेहरू कॉलेज के एक छात्र की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। छात्र की उम्र 21 साल थी। बताया जा रहा है कि छात्र को सुएं से गोदकर मौत के घाट उतारा गया। मृतक छात्र का नाम रवि था, जो बड़सी का रहने वाला था। बताया ये जा रहा है कि ये हत्या आपसी रंजिश को लेकर हुई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आज अभी कुछ टाइम पहले हमारे को सूचना मिली थी कि रवि नाम का है बड़सी का, उनका सिसाईपुर के पास कोई झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान वो घायल अवस्था में सीएचसी ना या सिविल हॉस्पिटल इस आंसी लाया गया था, यहाँ से रेफर कर दिया गया था, यहाँ से सीएमसी हॉस्पिटल इसार ले गए। लेकिन अब बाद में हमें पता चला कि वो जीएच आंसी में आ चुका है और उसकी मौत हो चुकी है। सर जो एज कितनी है सर इसकी? लगभग 21 साल। तो ये स्टूडेंट वगैरह हैं? हाँ पढ़ते हैं। आपको पता चला कितने? ये इसार में हांसी पढ़ते हैं। हाँ जी। उन लोग से कुछ पता चला इस बारे में? अभी से किसी का नाम नहीं पता हुआ है और ना ही स्टेटमेंट दी है। हम उनके परिवार वालों की इंतजार कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आपस में पूछताछ कर रहे हैं इस बारे में इसका क्या घटनाक्रम था। जैसे ही वो स्टेटमेंट देंगे नियमानुसार कार्रवाई की। फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है? फिलहाल बयानों की देख रहे हैं, उनके परिवार वालों को कह रहे हैं, वो जैसे ही बयान देंगे एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई करें। सर एक दूसरे से गैंगवार है सर क्या है? नहीं गैंगवार नहीं है, ये आपस में पढ़ते थे। अब पता नहीं ये वजह रंजिश नहीं पता है कि किस कारण से इनका झगड़ा हुआ। सर दूसरी पार्टी के ही बताते हैं 3 दाखिल है इसार के अंदर? नहीं, हमें एक नवीन नाम के व्यक्ति को लड़के को पता चला है कि भाई वो हिसार एडमिट है, तो उससे भी ध्यान हासिल करें, कार्रवाई करें। तो इनके साथी थे या दूसरी पार्टी का है? नहीं वो दूसरी तरफ, दूसरी पार्टी का। थैंक यू सर। पुलिस के मुताबिक शनिवार दोपहर के वक्त रवि के पास एक फोन आता है, उसे जल्दी से सिसाई पुल पर आने के लिए कहा जाता है। पहले से ही सिसाई पुल पर दो छात्रों के बीच विवाद चल रहा था। छात्र गुट आपस में किसी बात को लेकर बहसबाजी कर रहे थे। बहस के दौरान ही दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई और इस दौरान दूसरे गुट के लोगों ने रवि पर बर्फ तोड़ने वाले सुएं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आपसी मारपीट में रवि के अलावा दूसरे गुट के युवक भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तीनों का इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल में रवि को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में रवि ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। रवि अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। रवि की एक बहन है जिसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। पिता भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, फिलहाल अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ग्रुप डी में कार्यरत हैं। रवि की मौत की सूचना मिलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया, लोगों का नागरिक अस्पताल में जमावड़ा लग गया। वहीं पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। छात्रों की आपसी लड़ाई के बाद रवि की हत्या हुई है। दो गुटों की लड़ाई में और भी छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज जारी है। फिलहाल अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब ये लड़ाई कब से चल रही थी, क्यों चल रही थी, कौन कौन इस लड़ाई में शामिल था, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। हांसी से संदीप सैनी, न्यूज 18 हरियाणा।